थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारा जो संगठन है, पार्टी है, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने के लिए अंतिम व्यक्ति का उदय हो, ये लोग सत्ता पर कैसे बने रहें, चाहे वो अमरिंदर हो चाहे केजरीवाल हो। केजरीवाल का और किसान का क्या मेल है? कोई मेल नहीं है केजरीवाल किसान का। और केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के किसानों को जो फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड, सोयल कार्ड आपने दिया क्या आज तक? तो वो राजनीति करते हैं केवल कि मोदी जी जो निर्णय जनहित के में गए उनका विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करते हैं वो लोग। ये लोग मोदी साहब से एक महीने से समय लोग मांग रहे थे, व्यस्तता के कारण से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ये किसान गांव तुगल इसके दिल्ली के किसान हैं, और आसपास में दिल्ली की जमीनें भले ही लोगों ने बेच दी हैं या फार्मिंग हो गई है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, आसपास के राज्यों में इनकी सभी जमीनें हैं, आज खेती करते हैं सभी लोग, किसान है ये, और किसान ही सही मायने में धन्यवाद करने के लिए आए हैं। इसलिए केजरीवाल साहब को तो किसानों की जानकारी है ही नहीं, केवल सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं वो। उनका एक सांसद था जो विरोध कर रहा था, आपको मालूम है, मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है कि पहले वो बिचौलिए के रूप में काम करते थे, पहले सिनेमा की टिकटों को ब्लैक करते थे, अब वो इन बिचौलियों के माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों की फसल का बिचौलिया बीच में दलाल खाएं, तो वो दलाल पसंद लोग हैं, इनको बिचौलिए चाहिए। और केजरीवाल साहब के बारे में कहना नहीं चाहता, उनके साडू ने कैसे अपने जीवन को त्यागा है, साडू का बेटा कैसे जेल गया, वो बिचौलिए के तरीके से गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही कहा है, WHO ने कहा है कि दिसंबर में शायद वैक्सीन आ जाएगी। दिसंबर में वैक्सीन जैसी आएगी तो कोई गलत घोषणा नहीं की है, बिहार के अंदर हर घर के अंदर वैक्सीन फ्री में पहुंचाई जाएगी।